गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा. वर्ग पंचम, विषय संस्कृत. बच्चों अभी मैं आपके जो आपका चैप्टर 7 लेकर उपस्थित हुई हूँ. इसे मैं पढ़ा चुकी हूँ. इसके हिंदी अर्थ को भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ. अब मैं करवाऊँगी इसके अभ्यास कार्यों को. इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले मैं जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि जब कोई भी अभ्यास कार्य मैं प्रारंभ करती हूँ तो सर्वप्रथम मैं उसके शब्दार्थ को ही लिखती हूँ. शब्दार्थ को लिखने के बाद उसके हिंदी अर्थ उसकी मीनिंग को बताने के बाद हिंदी और संस्कृत में इसके मीनिंग संस्कृत का जो है शब्द है उसका हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग बताने के बाद ही मैं अभ्यास कार्य को करवाती हूँ. तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन शब्दार्थ को. इस शब्दार्थ को आप सभी बच्चे भी ध्यान से लिख लेंगे एवं याद करेंगे. आइए देखते हैं शब्दार्थ. बच्चों आपका चैप्टर 7 जिसका कि शीर्षक है सत्यनिष्ठा बालकः. सत्यनिष्ठा बालकः इसमें जो है कि ईमानदार बच्चे के लिए सत्यवादी बच्चे के लिए जो है बताया गया है. ये कहानी जो है मैंने आपको पढ़कर हिंदी अर्थ के साथ मैंने आपको पढ़कर बता दिया है. अब मैं करवाऊँगी इसके अभ्यास कार्य को. तो इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले मैं क्या करूँगी, पहले आपको शब्दार्थ लिखाऊंगी. शब्दार्थ लिखने से क्या हो जाएगा, आपको संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ एवं इसके इंग्लिश का मीनिंग भी आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको पाठ को समझने में बहुत ही सहूलियत होगी. इसीलिए आइए सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ को. सभी बच्चे ध्यान से अपने अभ्यास कार्य को करने से पहले शब्दार्थ को ज़रूर ही कर लेंगे. आइए अब सबसे पहले हम जब अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले जैसा कि मैं हमेशा शब्दार्थ करवाती हूँ तो मैं आज भी पहले आपको संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ एवं उसके इंग्लिश मीनिंग को मैं बताऊँगी. इसके बाद ही मैं अभ्यास कार्य को करवाऊँगी. तो आप बारी बारी से हम संस्कृत शब्द को पढ़ते हैं, इसके बाद उसके हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग को भी पढ़कर आपको बताती हूँ. इसका पहला शब्द है पूरा काले. पूरा काले का हिंदी अर्थ होता है प्राचीन काल में. इंग्लिश में उसे कहते हैं इन एनिशियंट टाइम. सार्थवाहा, सार्थवाहा का अर्थ होता है सौदागर और इंग्लिश में इसे कहते हैं मर्चेंट्स. पथिका, पथिका का हिंदी अर्थ होता है यात्री और इंग्लिश में इसे कहते हैं पैसेंजर्स. वृषभयानम, वृषभ यानव को हिंदी में कहते हैं बैलगाड़ी और इंग्लिश में इसे कहते हैं बुलॉक कार्ट. आरूह्य, आरूह्य का हिंदी अर्थ होता है चढ़कर और इंग्लिश में इसे कहते हैं आफ्टर क्लाइंबिंग. अवरोधकानी, अवरोधकानी का हिंदी अर्थ होता है बाधाएं और इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्रबल्स. दस्यवह, दस्यवह का हिंदी अर्थ होता है डाकू और इंग्लिश में उसे कहते हैं रोवर्स. धनम, धनम का हिंदी अर्थ होता है धन, इंग्लिश में उसे कहते हैं मनी. सत्यम, सत्यम का हिंदी अर्थ होता है सच और इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्रूथ. आदेशम, आदेशम का हिंदी अर्थ होता है आदेश और इंग्लिश में उसे कहते हैं ऑर्डर. लघु, लघु का हिंदी अर्थ होता है छोटा और इंग्लिश में उसे कहते हैं लिटिल. अत्यजन, अत्यजन का हिंदी अर्थ होता है छोड़ दिया और इंग्लिश में उसे कहते हैं लेफ्ट. प्रेरणाम, प्रेरणाम का हिंदी अर्थ होता है प्रेरणा और इंग्लिश में उसे कहते हैं इंस्पिरेशन. इस प्रकार से बच्चे मैंने आपको सभी बच्चों को मैंने संस्कृत शब्द को पढ़कर बताया है एवं उसके हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग को भी मैंने आप लोगों को बता दिया है. बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले शब्दार्थ को, शब्दार्थ के संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग को भी मैंने आपको बता दिया है. आगे आपके अभ्यास कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.